अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। जिंदगी क्या बात है, जिंदगी क्या बात है, जिंदगी क्या बात है, जिंदगी क्या बात है। अरिति, आ रही हूँ। अरिति मेरी टाई कहाँ है? वही ढूंढ रही हूँ बाबा। अच्छा अरिति, आज लौटने में देर हो जाएगी, दोपहर को मीटिंग है जो शाम तक चलेगी। अनिकेत, तुम तैयार हो?
एक मिनट, मैं श्री को फोन कर लेता हूँ। डैम इट, इसे भी अभी बजना ही था। यस, हेलो श्रीकांत पंडित। यस, कौन बोल रहा है? श्री रवि। यार रवि? रवि, डॉक्टर रवि बापट। डॉक्टर रवि बापट, मैं जानता हूँ आपको। अबे आप क्या कर रहा है? नाटक बंद कर। नाटक? साले तू है कहाँ? मर तो नहीं गया था? मिलना तो दूर, एक आध फोन नहीं कर सकता? ऐसा कुछ नहीं यार। हाँ, फोन भले ना किया हो, लेकिन गोवा में रहकर पूना की हर बात की खबर रखता हूँ मैं। आई सी, तो आज क्यों फोन किया था? पूना से फोन कर रहा हूँ मैं। व्हाट? यस, आई एम इन पूना। मेघना भी साथ में है। व्हाट? प्रॉपर्टी मैटर्स के सिलसिले में आया था। ग्रेट, तो आज रात का खाना हमारे घर। अरे पर श्री, नो एक्सक्यूजेस। साले तू अनिकेत की एंगेजमेंट में भी नहीं आया था। अरे आने की बड़ी ख्वाहिश थी मगर आ नहीं पाया। और डिनर भी फिर कभी ले लेंगे, क्योंकि आज शाम को मुझे स्टेट एजेंट के साथ अपॉइंटमेंट है। एक मिनट, और कल सुबह मुझे वापस गोवा जाना है। दरअसल अनिकेत को एंगेजमेंट की बधाई देने के लिए फोन किया था। नहीं नहीं नहीं, इस तरह फोन पर कांग्रेचुलेट करके कुछ नहीं होगा। श्री कभी तो समझा कर यार। तेरी अपॉइंटमेंट शाम को है ना? हाँ। देन कम हियर राइट नाउ एंड हैव लंच विद अस। अरे पर श्री, तुझे ऑफिस नहीं जाना? अरे टू हेल विद योर ऑफिस। ऑफिस गया तेल लगाने, तू अभी टैक्सी पकड़ और फौरन यहां आ जा। मैं रहा देखता हूं। मेरी बात सुन तू। नो आर्ग्यूमेंट्स। अरे ये क्या? आज ऑफिस को डांडी। पर डैड आज दो अपॉइंटमेंट्स हैं। अरे पोस्टपोन कर दो, मेरा दोस्त है गोवा से रवि बापट, माय अंडरवेयर फ्रेंड। श्री अरे इतनी लंगोटिया यार, आई हैव कॉल्ड हिम फॉर लंच। तुम ऑफिस जाओ, मेरी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो और रेवती को लेकर यहां आ जाओ। वो तो काम पर चली गई होगी। अरे उसे यहाँ ले आओ, रवि और मेघना को पता तो चले कि माँ बदौलत की नसीब में लिखा क्या है। यस सर। मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। अरे सुनो, कुछ चटपटा खाना बना लेना, डॉक्टर जात का खवैया है। यस सर। स्कॉच। सर थैंक यू विठल। मुझे तो दूसरे पेग में ही नशा हो गया। दोपहर को पीने की आदत नहीं है मेरी। साले तू दो बियर पी के वैसे का वैसे ही है। देख, विदाउट टेंशन जीता हूँ, विदाउट टेंशन पीता हूँ। साला गोवा में रहने का है तो गोवा की मस्त हवा का रिदम पकड़ कर जीना चाहिए। सुबह प्रैक्टिस खत्म करके 11:30 बजे घर आ जाता हूँ। दोपहर को बियर पीना अच्छा लगता है, बियर पीता हूँ, मस्ती में जीता हूँ। नसीब वाला है यार, टेंशन से आजादी, और आजादी भी कहाँ तो गोवा में। और एक हम है जो पूना में ही जूते घिस रहे हैं अब तक। पैसे भी तो कमा रहा है। अरे पैसे के क्या, लड्डू बना के खाऊं? इतने सारे पैसों का जो चाय बना के खा सकते हो। फिलहाल काजू खा ले। तुम्हारे घर के सामने समुंदर है या नहीं? उतनी ही आंखों को ठंडक है ना? बिल्कुल समुंदर के सामने है मेरा घर। ये समुंदर, ये घर, और दोनों के बीच में बीच। खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। गोवा में घर, घर के सामने समुंदर, बीच में बीच, आंखों को ठंडक देती लड़कियां। जलस जलस। दिल अभी भी जवान है। और तू साले इतने साल शादी बगैर रहा। सानिया के साथ जब ब्रेक हुआ तब कभी शादी नहीं करूंगा ऐसा कह रहा था तू, तो तूने कैसे कर ली? नहीं मतलब मेघना को देखकर कोई भी यही करता है, लेकिन फिर भी। मैं भी नहीं करता, लेकिन 2 साल पहले हिमालय ट्रेकिंग पर मेरी और मेघना की मुलाकात हुई। मुलाकात दोस्ती बन गई। ट्रेक खत्म होने से एक दिन पहले मैंने उसे प्रपोज किया, और वापस आने के बाद कुछ ही दिनों में उसने हाँ भी कर दी। ऑफ कोर्स उसने उसके बारे में सब कुछ बता दिया था, उसका पहला मैरिज दैट हैड फेल्ड, उसका डिवोर्स, उसे पहले शौहर से 2 बेटियां। बड़ी राधिका, छोटी श्रवणी। बड़ी 15 साल की है, छोटी 13 साल की। दोनों अकेली रह लेती है? अपने बाप के पास गई है, प्रशांत वैद्य, गोवा में रहता है। इस बारे में मेरे विचार बिल्कुल साफ है, हम अलग हो गए हैं, लेकिन बेटियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको भी शेयर करनी चाहिए। बेटियां जितनी मेरी है उतनी उसकी भी है। ये और बात है कि बीवी भी मैं उसकी थी, मगर बीवी की जिम्मेदारी उसे जिम्मेदारी लगी ही नहीं कभी।
I'm sorry, मैं... नहीं नहीं, तुम awkward मत फील करो। हमें अलग होकर भी 4 साल हो गए हैं। अपने एक बिजनेस एसोसिएट से उसका अफेयर हो गया। मुझे पता चला तो बहुत दुख हुआ, मगर ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि प्रशांत को उसमें कोई बुराई नजर नहीं आई। सो व्हाट, गलती हो गई मुझसे, उसमें मैं खामखा फिडेलिटी और फेथ जैसी बातें घुसे रही हूं, ऐसा कहना था उसका। पति पत्नी के रिश्ते की समझ नहीं थी उसे, और अगर होती भी तो उसकी कदर नहीं थी। एनीवे, बट एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। मुझे रवि मिल गया, जेम ऑफ अ मैन। लड़कियों ने अपना लिया रवि को? अपना लिया? मुझसे ज्यादा रवि से क्लोज है दोनों। अच्छा ये बता, तुम क्या करती हो? मैं हाउसवाइफ। डोंट टेल मी, तुम और कुछ नहीं करती घर में? इतना कुछ है करने को तो। सो कुछ तो करो। मगर क्यों? अरे यू मस्ट डू समथिंग। मुझे देखो, तलाक होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे पहले से ही कुछ करना चाहिए था। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी के पास गिरवी नहीं रखनी चाहिए, किसी पुरुष के पास तो हरगिज नहीं। खुद का बुटीक शुरू किया है मैंने, अच्छा चल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, किसी पुरुष के सहारे की जरूरत नहीं है मुझे। तुम भी कुछ करो, हम सबको कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। कुछ करने का वक्त हाथ से निकल गया। पागल हो गई हो? वक्त कभी हाथ से नहीं निकलता, इट्स नेवर टू लेट। विठल दरवाजा उगाड़, दैट मस्ट बी अनिकेत एंड रेवती। रवि, यार रेवती इज माय होने वाली डॉटर इन लॉ। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। हाय पापा। ओ हाय देयर डार्लिंग, हाउ आर यू? हाउ आर यू रेवती? दिस इज रवि, डॉक्टर रवि बापट, मेरा बहुत करीबी दोस्त। हेलो रेवती। हेलो। हार्टेस्ट कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। हार्टेस्ट कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कम 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 सिट सिट सिट। गो ऑन यंग मैन, सिट। अनिकेत अच्छे जोरी हो, हीरे की परख है तुम्हें। अरे फिर बेटा किसका है? देख लगता है ना हैंडसम, बिल्कुल अपने बाप की तरह। कम ऑन नेक्स्ट, हैव अ सिप, कम ऑन। पी लो। ये परमिशन मांगने का नाटक क्यों कर रहे हो? शादी के बाद तो अपनी मनमानी करोगे ही। क्या बात है। बाय द वे रेवती, तुम क्या करती हो? मैं कंप्यूटर साइंस की ग्रेजुएट हूँ। गुड। फिलहाल मैं एक कंप्यूटर फर्म में काम कर रही हूँ। अरे कितनी बार कहा है मैंने ये नौकरी छोड़ दो। अरे यार हमें किस चीज की कमी है जो घर की बहू नौकरी करे। लेकिन ये लड़की मानती नहीं, डैम इट। She's a modern woman, you know, and modern women love to be independent, right, Nick? Absolutely. See, see. Okay, अब तुम ये काम छोड़ दो। बिल्कुल नहीं छोड़ना रेवती, तुम जो कर रही हो सही कर रही हो। You too, Brutus? Then die, Pandit, die. ठीक है, ठीक। रेवती, तुम काम करना चाहती हो? तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। Join me, damn it. वो तो मैं कभी ना करूँ। क्यों? क्यों, कोई खा जाएगा तुम्हें वहाँ? ससुर की फर्म, वहाँ ना किसी का डर ना कोई कंपटीशन, काम करने का मोटिवेशन ही मर जाएगा मेरा। मुझे तो ऐसी नौकरी करनी ही नहीं। You're right, you said it right. जहाँ पे काम कर रही हो वहीं करो। अरे तू मेरा दोस्त है, मेरा दुश्मन। मैं तेरे खिलाफ तेरे बीवी के दरबार में फरियाद करूंगा। क्या फरियाद करनी है आपको? हाँ हाँ मेघना, मेघना कम कम मेघना, शी इज रेवती। ये अनिकेत की। Would be, na? Congratulations to both of you. Thank you. And Revati, Meghna is budde Ravi ki khubsurat biwi hai. Tumhe yakin nahi hoga Revati, lekin ye do jawan betiyon ki maa hai. Really? I don't believe it. Believe it? अरे इसीलिए तो मैंने इससे शादी की। खूबसूरत औरत और साथ में दो रेडीमेड बेटियां। रेडीमेड बेटियां? मतलब? मेरे पहले पति की। I was a divorcee. Dad. और मेरे पिछले जन्म की कुछ अच्छाइयां जो इस जन्म में मेघना का साथ मुझे मिला। मेरे जिंदगी के रेगिस्तान में क्या बोलते हो? हाँ, एक ओएसिस बनकर आई मेरी मेघना। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अरिति मेरी डायरी ले आओ, I must write this line. बाद में लिख लेना। अरे मैं फुल ट्राई टू अरिति, मैं बाद में भूल जाऊंगा।
अरे विठल दरवाजा उगाड़। अरे दी गेट माय डायरी क्विक। अरे 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 डायरी वायरी की जरूरत नहीं है, फोन करके पूछ लेना। जब भी हमारी शादी की बात निकलती है ना, तब मैं यही बोलकर इंप्रेशन मारता हूँ। दिस इज ऑल्सो नॉट अ बैड लाइन निक। सर तुमचा रजिस्टर। मेरा? ओ अरिजी का लेटर लाओ, यहाँ लाओ। आदिति के नाम का है ना? So what? This is ridiculous. तुम्हारा खत है, तुम देखो। अरे लेकिन बीवी तो मेरी है ना, क्या फर्क पड़ता है? क्या हुआ श्री, किसका खत है? श्री कमाल हो गया यार, कमाल हो गया, जादू हो गया। दिस इज प्लेन मैजिक, डैम इट। क्या हुआ डैड? कांग्रेचुलेशंस मिस्टर आदिति श्रीकांत पंडित, कांग्रेचुलेशंस। श्री मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बताओगे क्या हुआ? श्री प्लीज प्लीज, क्या लिखा है इसमें? अरे मेरी बीवी अचानक मालदार हो गई है, शी हैज बिकम अ रिच वुमन, डैम इट। अरे मल्लार कामत नाम का एक आदमी पिछले हफ्ते हुबली में मर गया, उसने अपनी सारी जायदाद मेरी बीवी के नाम कर दी। 15 एकड़ जमीन, एक खानदानी हवेली, 140 तोला सोना और 8,60,000 रुपए कैश। वाओ! मेरी बीवी को जैकपॉट लग गया, लॉटरी लग गई। कम ऑन लेट्स सेलिब्रेट, आई एम गोइंग टू हैव अनदर ड्रिंक। डैडी ना, कम ऑन डैम इट, कम ऑन। ये कौन है मल्हार कामत? अरे कोई भी हो यार, कामत या फामत, मेरी बीवी को खजाना दे गया है। ए ए बीवी, कभी जरूरत पड़े तो थोड़ा कर्ज वर्ज दे देना। आदिति, ये मल्हार तुम्हारा कोई रिश्तेदार था? नहीं नहीं, कई साल पहले मैं संगीत सीखा करती थी उनसे। और सुर और ताल का क्या मेल हो गया, गुरु सब कुछ शिष्य के नाम कर गया। वाह वाह उस्ताद वाह। ए ए बीवी तुम्हें सलाम। ए श्री बहुत हो गया, चल खाना खाने चलते चल। अरे इतनी जल्दी क्या है, पियो यार पियो। और दारू लाके दूं? पियो। रवि और मेघना चले गए? खाना खा के गए ना? ऑब्वियसली श्री, इतनी देर हो गई थी, 3 बज गए सब खत्म होते होते। मुझे दारू पीनी नहीं चाहिए। चलो तुम्हें खुद एहसास तो हुआ। सर दबाओ। ये कामत कौन है? मल्हार कामत, मैं संगीत सीखती थी ना उनसे। मैं मिला था उनसे? हाँ, एक बार तुम किसी टूर से वापस आए थे तब, और दूसरी बार अनिकेत के पैदा होने के बाद। हाँ हाँ, यस यस यस, अनिकेत को देखने आए थे, सोने के कड़े लाए थे उसके लिए। उसके बाद तुमने संगीत सीखना बंद ही कर दिया ना? संगीत सीखती तो अनिकेत का ध्यान कौन रखता? उसके बाद फिर वो आए नहीं ना? नहीं। शादी हुई थी उनकी बाद में? मुझे कैसे पता होगा श्री? आई एम सॉरी यार, मैं क्यों सवाल जवाब कर रहा हूं तुमसे। ये रवि और मेघना बहुत नाराज थे। ऐसा जाहिर तो नहीं किया, लेकिन होंगे थोड़े से नाराज वो। मैं भी नहीं यार, आई शुड अपोलोजाइज। मैं फोन करता हूँ। बिल्कुल। हेलो हेलो रवि, श्री हियर। हाँ बोलो पंडित जी, बोलो। आई एम सॉरी यार, मैं थोड़ी ज्यादा ही पी गया। थोड़ी ज्यादा पी ली थी? अरे बहुत ज्यादा पी ली थी। अरे मेरा तो छोड़, लेकिन सामने तुम्हारी बहू थी, उसका तो ख्याल करना था। आई नो, लेकिन यार माहौल ही ऐसा बन गया था, और फिर तुम दोनों भी मुझे बहुत सालों बाद मिले। इट वॉज अ परफेक्ट पार्टी एटमोसफियर यार, अदरवाइज इतनी नहीं पीता मैं। हाँ शहर में इंक्वायरी करूँ? कर ले, बेशक कर ले। और अगर तेरा झूठ पकड़ा गया तो तुम्हें मेरी तरफ से पार्टी।
ए सीरियसली सीरियसली अगली बार हम सोबर सेलिब्रेट करेंगे. इनफैक्ट नेक्स्ट टाइम तू आदित्य को लेकर गोवा आ जा. फैंटास्टिक. चल बाय. बाय डॉग बाय. क्या कह रहा था? क्या कहेगा, सॉरी कहने के लिए फोन किया था. बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड और पॉम्पस आदमी है ये. अ मेल शॉविनिस्ट पिग. आज पहली बार तो तुम मुझसे मिली हो, तुम क्या जानती हो उसके बारे में? ऐसे लोगों को जानने में वक्त नहीं लगता मुझे. 17 साल तक ऐसे ही किसी आदमी के साथ जिंदगी गुजारी है मैंने. प्रशांत वैद्य, तुम्हारे श्रीकांत पंडित उनमें से एक है. श्री कल निकले ना श्री, आज इतना काम था पूरा दिन, बहुत थक गई हूं मैं. अदिति इतने सालों में मैंने आज की डायरी कभी कल पर डाली है? तुम सो जाओ, मैं डायरी लिखकर ही सो जाऊंगा. अच्छा तुम टेबल लैंप ऑन करो, मैं लाइट बंद कर रही हूं. June 19, 1999 आज डॉक्टर रवि बापट और मेघना गोवा से घर आए थे. उन दोनों को मैंने लंच पर बुलाया था. वो आने वाले थे इसलिए मैं ऑफिस नहीं गया. दोपहर को पार्टी के दौरान रजिस्टर्ड ईडी से अदिति के नाम एक लेटर आया. किसी मल्हार कामत नाम के आदमी ने मरते वक्त अपनी सारी प्रॉपर्टी अदिति के नाम कर दी. गगरिना भरन देत रे, मोरी गगरिना भरन देत रे. क्या हुआ, गाओ ना. आज मूड नहीं है. मूड नहीं, रियाज नहीं करना है क्या? गाना मेरे बस की बात नहीं है. तो फिर यही गाओ. क्या? गाना मेरे बस की बात नहीं. अरे हंसो मत, गाओ. गाना मेरे बस की बात नहीं, सुर और ताल का साथ नहीं, सुर और ताल का साथ नहीं, गाना मेरे बस की बात नहीं. Da 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 da
बस की बात नहीं, गाना मेरे बस की बात नहीं, सुर और ताल का साथ नहीं, सुर और ताल का साथ नहीं, गाना मेरे बस की बात नहीं, गाना मेरे बस की बात नहीं, मोरी गगरिना भरन दे तेरे, मोरी गगरिना भरन दे गर गर सनी धनी रे गा मधनी सनी सा सनी सा सनी दबा मधा मनी की दबा गर गर सा निरे गा मधनी सा निरे गा मधनी सा। मजाक नहीं कर रहा हूँ। संगीत आपके नस नस में। आप जब गाती हैं तो और कुछ सुनाई नहीं देता। प्लीज इतनी तारीफ मत कीजिए। आपके बताए हुए कुछ सुर तो मैं बिल्कुल ही नहीं गा पाती। नहीं, मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। आपकी आवाज तो ऊपर वाले की देन है। You should never give up music. ठीक है, ठीक है। क्या लेंगे? वही रोज का। विठल। हेलो। दो कप चाय लाना। तीन कप चाय लाना। हाँ साहब। कब आए? अभी 5 मिनट हुए। तो बुलाया क्यों नहीं? इतना अच्छा रियाज चल रहा था, मैंने सोचा डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं। श्री, ये मल्हार कामत है, संगीत के बहुत बड़े विद्वान। और ये श्रीकांत मेरे मिस्टर। कैसा गाती है मेरी बीवी? इनकी आवाज तो ऊपर वाले की देन है। मैं जानता हूँ, तभी तो मैं कहता हूँ इनको कि रियाज करते रहना चाहिए इन्हें। हाँ हाँ, इनको रियाज कभी बंद नहीं करना चाहिए। इनकी आवाज इतनी अच्छी है कि 1-2 साल में ये प्रोफेशनल सिंगर बन सकती हैं। छी छी, करियर वरियर कुछ नहीं, इन्हें गाना सीखना है सिर्फ शौक है, इसलिए पैसा कमाने के लिए नहीं। पैसा कमाना तो मेरा काम है, वो मैं कमा रहा हूँ, उसके लिए मेरी बीवी को काम करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें गाना सीखना है सिर्फ इनकी खुशी के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं, राइट? अरे बड़े वक्त पे चाय लाया थे। उपमा रेडी है बेटा? होता ही। श्री, 8 बज गए। आ रहा हूं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो ब्रेकफास्ट रेडी है। नो ब्रेकफास्ट टुडे अदिति। क्यों? अदिति, कल के सारे काम बाकी हैं, सारी अपॉइंटमेंट्स आज अटेंड करनी है, मुझे जल्दी जाना है। पर कुछ खाए बगैर? कुछ तो खा लो श्री। I have to go, अदिति। मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा। गुड मॉर्निंग डैड। मॉम, इज द ब्रेकफास्ट रेडी? एब्सोल्युटली योर हाइनेस। अरे ये क्या डैड, आप कहाँ जा रहे हो? मैं जल्दी में हूँ, तुम नाश्ता करके आ जाना। 2 मिनट डैड, मैं कुछ खा लेता हूँ। टेक योर टाइम सन, टेक योर टाइम, आई हैव टू गो। बाय बाय। स्ट्रेंज गाय। क्या कहा? Nothing, nothing, nothing. Mom, please, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो जल्दी, प्लीज मॉम। बच्चों जैसा बर्ताव छोड़ो, अभी एंगेजमेंट हो गई है तुम्हारी। तो क्या हुआ? सारी दुनिया एक तरफ, मेरी मॉम एक तरफ। गुड मॉर्निंग सर। शीला, आई नीड एब्सोल्यूट प्राइवेसी फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, डोंट गिव मी एनी कॉल्स, लीव मी अलोन। यस सर। आदिति, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, बहुत हो गया। अरे प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं सब समझती हूँ श्री, तुमने कहा था नेपाल से आने के बाद कम से कम 3 महीने तुम कहीं नहीं जाओगे, है ना? तुम्हें क्या लगता है मुझे मजा आता है भटकने? क्या मालूम? क्या मालूम मतलब? और क्या श्री, शादी के 2 साल में तुम 2 महीने नहीं रहे हो घर में श्री, हमेशा बाहर रहते हो तुम, कभी मॉरिशस, कभी सिंगापुर, कभी कोलंबो, कभी पता नहीं कहाँ। अरे तुम्हारे टूर्स बन ही नहीं होते श्री, और मैं यहाँ अकेले रहती हूँ घर में हमेशा। आदिति, अरे कुछ महीनों की बात है, 1 साल के अंदर मेरा अपना बिजनेस शुरू हो जाएगा, फिर भटकना भी बंद हो जाएगा, मेरी प्लानिंग अब भी फुल प्रूफ है। तुम्हारी प्लानिंग तुम्हारे खुद के लिए है श्री,
इसमें मैं कहाँ फिट होती हूँ? हमारे घर के लिए, हमारे संसार के लिए तुम्हारे प्लानिंग में एक जगह है कहाँ? I feel alone, श्री. अकेलापन खाने को आता है मुझे श्री. हमारा एक बच्चा होता ना तो सब कुछ सहन कर लेती मैं आसानी से. तुम्हारा ना रहना भी. अदिति मुझे मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है. हमारा बच्चा पैदा होगा तो हमारे अपने बंगले में होगा, इस किराए के घर में नहीं. ठीक है तो मैं भी चलती हूं तुम्हारे साथ. तुम्हारा खर्चा कौन करेगा? कंपनी? ठीक है अदिति, मैं तुम्हारा खर्चा कर लूंगा, लेकिन अपने काम में मैं वहां भी तुम्हें वक्त नहीं दे पाऊंगा. वहां भी तुम अकेली हो जाओगी. मैं कोई नौकरी कर लूं प्लीज. व्हाट? देखो अदिति, आज तक हमारे घर आने में ना किसी औरत ने नौकरी की है ना किसी ने करवाई है. मुझे अपने घर में बीवी के पैसे नहीं चाहिए, मैं अपना घर चला सकता हूं. देखो अदिति, मैं सब समझता हूं, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी उदासी. कुछ महीनों के लिए सब्र करो प्लीज, मेरे खातिर. हाँ प्लीज. तुम अपना संगीत का रियाज क्यों नहीं शुरू कर देती? तुम्हारी आवाज अच्छी है. शादी के बाद तो तुमने बंद ही कर दिया रियाज, फिर से शुरू करो. देखो तुम्हारा वक्त भी कट जाएगा और मन भी बहल जाएगा. हाँ या ऑफ कोर्स. अदिति अदिति देखो मेरी तरफ, देखो और हंसो एक बार प्लीज. दैट किलिंग स्माइल वंस. कम ऑन कम ऑन कम ऑन प्लीज. डैड सिमेक के लोग प्रोजेक्ट डिस्कशन के लिए आ गए हैं. नेक्स्ट यू नो द प्रोजेक्ट, यू गो एंड हैंडल इट. आई एम बिजी. पर डैड आपका रहना जरूरी है. आई एम श्योर देयर विल बी नो प्रॉब्लम, गो एंड हैंडल इट. ओके. आज मैं सिंगापुर से वापस आया. घर में अदिति के म्यूजिक टीचर मल्हार कामत से मिला. अच्छा आदमी लगा. सच कहूं तो मैं किसी और फिक्र में था. दूसरे दिन सुबह नाइजीरिया जाना है एक अर्जेंट सुपरविजन के लिए. अदिति को पता चला तो वह जमीन आसमान एक कर देगी, यह मैं जानता हूं. पर श्री, अदिति मैंने नौकरी छोड़ देने का फैसला कर लिया है. अरे मेहनत करने वाले की कोई कदर ही नहीं है. अब कंपनी के फायदे के लिए क्या मैं रात दिन मरता रहूंगा? श्रीकांत पंडित एफिशिएंट है ना, कंपनी का फायदा करा रहा है ना. कोलू की बैल की तरह पीसो इसको. अदिति अदिति ये लोग समझते नहीं है कि मेरी शादी हो गई है, मेरी एक बीवी है जो बहुत अकेली हो गई है. महीनों महीनों उससे मुलाकात नहीं होती. अब कह रहे हैं कि कल के कल नाइजीरिया चले जाओ. टू हेल विद नाइजीरिया, आई एम गोइंग टू क्विट दिस जॉब. कल की पैकिंग हो गई तुम्हारी? हाँ. मैं तुम्हें वचन देता हूं अदिति, मैं नाइजीरिया के ट्रिप के बाद 3 महीने घर के बाहर पांव नहीं रखूंगा. पांव रखा तो घर छोड़ दूंगी, डिवोर्स दे दूंगी तुम्हें श्री. मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हारी कसम. क्यों मेरी झूठी कसम खाते हो हमेशा श्री? फिर ठीक है, मेरी कसम, विठल की कसम, पटोरधन के कुत्ते की कसम. अच्छा अच्छा बस बस, 21 जुलाई से पहले आ जाओगे ना वापस? क्यों? हमारी वेडिंग एनिवर्सरी होती है श्री. ऑफ कोर्स अदिति, मैं वेडिंग एनिवर्सरी कैसे भूल सकता हूँ? अभी भूल गए थे ना डार्लिंग. लो दूध पियो, मैं चेंज करके आती हूँ. आह.
प्लीज अदिति आज नहीं, मैं बहुत थक गया हूं और सुबह जल्दी भी तो जाना है। गुड नाइट डार्लिंग, मुझे सुबह 5:30 बजे उठा देना। शीला, आई सेड नो कॉल्स, व्हाई डिड यू डिस्टर्ब मी? सर, वो घर से फोन था। अच्छा, दो। हेलो। हाँ बोलो, क्या काम है? कुछ खाया के नहीं, पूछने के लिए फोन किया। अदिति, मैं काम की गड़बड़ में भूल गया, यही कहने वाले थे ना? अदिति, मैंने कुछ खा लिया है। अच्छा, क्या खाया? अदिति प्लीज, आई एम रियली बिजी, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, बाय। शादी के सालगिरह की रोज मैंने घर जल्दी पहुंचने की कोशिश की, मगर देर हो ही गई। घर पहुंचा तो एक नई खुशी के साथ, खुशी इस बात की कि नाइजीरिया में मुझे मेरा अपना इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला, मेरी अपनी कंपनी के लिए। इट्स अ ह्यूज ब्रेक। शादी की सालगिरह एक नई शुरुआत थी। आई वॉज डैम इलेटेड। घर आया तो अदिति हमेशा की तरह बहुत उदास थी। भाई साहब, साई वाले। हाय अदिति। अदिति, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है जिसकी कोई सजा नहीं है। फिर भी अगर तुम चाहो तो जो सजा दोगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। मुझे सूली पर चढ़ा दो, मुझे हाथी के पैर के नीचे डाल दो, मुझे शेर के मुंह में दे दो, मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दो, लेकिन प्लीज अदिति मुझे माफ कर दो। अदिति, वेरी 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 हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। मैं सच कहूं अदिति, मुझे लेट क्यों हो गया? ये देखो, ये मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट है अपनी कंपनी का। दिस इज माई फर्स्ट इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट, डैम इट। आई कैन स्टार्ट ऑन माई ओन नाउ। डू यू हियर अदिति? कम ऑन अदिति, चीयर अप। चलो अदिति, चलो बैग पैक कर लो, हम दोनों खंडाला चलते हैं, 2 दिन वहीं रहेंगे। हम दोनों अकेले कहीं गए नहीं है, मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, सचमुच नहीं होगा। मैं हर महीने तुम्हारे लिए वक्त निकालूंगा, तुम्हारी कसम अदिति, प्लीज। खंडाला से लौटे तब अदिति की तबीयत खराब थी, चक्कर और उल्टियां, इसलिए मैं भी ऑफिस नहीं जा सका। बैठो, मैं एक बार रवि को बुला देता हूँ, एक दफा देख लेने दो। नहीं नहीं, डॉक्टर जोशी की दवा खा रही हूँ मैं श्री। रवि स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिस्ट और डॉक्टर में कुछ तो फर्क होगा। अरे ठीक हो जाएंगे कुछ दिन में, तुम घबराओ मत इतना। अदिति, 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 क्या हुआ अदिति, कुछ बताओ तो सही। श्री, आई एम प्रेग्नेंट। व्हाट? आई एम सॉरी श्री। अदिति, आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मैंने हमारे बंगले के लिए भी प्लॉट आज ही देखा, और अब ये। आई एम द हैप्पीएस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड अदिति।
श्री, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे कुछ नहीं सुनना है। लव यू अदिति। सुन लो प्लीज। आई लव यू अदिति। आई लव यू। आई लव यू। श्री, श्री मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। श्री शीला। यस सर। आई एम गोइंग होम एंड नॉट कमिंग बैक टुडे। ओके सर। डोंट डिस्टर्ब मी एट होम। फाइन सर। अरे आज जल्दी आ गए। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी श्री? श्री अदिति जरा बेडरूम में चलना। श्री अदिति, अनिकेत का जन्म 3 अप्रैल 1974 को हुआ। हाँ मगर ये तो मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने मेरे सिंगापुर जाने की बात तुमसे 27 अप्रैल 1973 को की थी। उसी दिन मैंने तुम्हें संगीत सीखने की भी सलाह दी थी। 5 मई 1973 को मैं सिंगापुर चला गया और 19 जून 1973 को मैं वापस आ गया। 1.5 महीने बाद उसी दिन मेरी और मल्हार कामत की हमारे घर में मुलाकात हुई। उसके दूसरे ही दिन 20 जून को मैं नाइजीरिया चला गया और 22 जुलाई को वापस आ गया। 1 महीने बाद 21 जुलाई हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। मैं उस दिन पहुंच नहीं सका, इसलिए तुम्हारा मन रखने के लिए हम अगले ही दिन 23 जुलाई को खंडाला चले गए और 26 जुलाई को वापस आ गए। उसके दूसरे ही दिन तुम्हें उल्टियां शुरू हुई। 1 अगस्त 1973 को तुमने मुझसे कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूं और 3 अप्रैल 1974 को अनिकेत का जन्म हुआ। 8 महीनों में अनिकेत प्रीमैच्योर बेबी नहीं था। ये सारी तारीखें और दिन मैंने अपनी डायरी में नोट किए हैं, इसलिए हर घटना का सिलसिला मेरे जहन में साफ है। फिर अदिति अनिकेत के पैदाइश की तारीख इन तारीखों से मेल क्यों नहीं खाती? क्या फर्क बता सकती हो दीदी? क्यों है ये फर्क? Thank you.
अनिकेत मल्हार कामत का बेटा है। श्री कुछ बताओगे भी, हमें गोवा से इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? रवि इसका जवाब तुम्हें अदिति देगी। श्री ये क्यों कर रहे हो तुम? सबके सामने तमाशा क्यों बना रहे हो? ये हमारे आपस की बात है श्री, प्लीज। रवि मेरा पुराना दोस्त है, ही इज लाइक अ फैमिली मेंबर। उसका यहां रहना जरूरी है, और उससे भी ज्यादा महत्व की बात है कि सबको असलियत का पता चले। मैं नहीं चाहता कि लोग कल सिर्फ मुझे दोषी ठहराएं। अनिकेत तुम जरा बाहर जाओ प्लीज। अनिकेत यहीं रहेगा, वो जो कुछ सुनने वाला है उसे समझने की मैच्योरिटी है उसमें। ये सब क्या हो रहा है डैड, मुझे कुछ बताओगे? आस्कर श्री, ये क्या तमाशा है? जो कुछ कहना है साफ साफ क्यों नहीं कहते? तुम मल्हार कामत को जानते हो? मल्हार कामत, वही उदार इंसान जिसने अपनी सारी जायदाद अदिति के नाम कर दी, वही मल्हार कामत। हाँ ठीक है, लेकिन मल्हार कामत और हमें यहां बुलाने का क्या संबंध? अदिति, मल्हार कामत अनिकेत का बाप है। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ,
यह मैं आदिति के मुंह से सुनना चाहता हूं। और तुम सबके सामने। एक्सक्यूज मी मिस्टर पंडित, यह आपका पर्सनल मामला है। आप अपनी पत्नी से जो कुछ भी सुनना चाहते हैं वो आप प्राइवेटली सुन सकते हैं। सबके सामने नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। एनीवे, मुझे यहां रुकने में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम रुको ना मेघना, मेरी खातिर प्लीज। तुम्हें नाइजीरिया गए कुछ ही दिन हुए थे। मेरी बहन सुधा और उसका पति अमर मुंबई से पुणे आए थे। अचानक पुणे कैसे आई? वो हमें जेजुरी जाना ना इसलिए। और राहुल? अपने दादी के पास, ज्यादातर वो वहीं रहता है। इसमें हमारा ही फायदा है। अमर, 3 साल के बच्चे के बाप हो, जरा तो जिम्मेदार आदमी की तरह बर्ताव करो। पहले तुम 3 साल के बच्चे की माँ दिखो तो सही। वैसे मेरी बीवी अट्रैक्टिव दिखती है, मुझे अच्छा लगता है, पर तुम तो मुझे बूढ़ा बनाना चाहती हो, ये बात अच्छी नहीं। अमर बस करो ना, हमें बात करने दो ना, कितने सालों के बाद मिले हम दोनों। तो करो ना, मैं यहाँ चुपचाप बैठा रहूंगा। अमर तुम जाओ कहीं घूम के आओ। घूम के आओ? तुम चलो ना साथ में। मैं जाऊं? ओके बॉस, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। पागल है पागल, परेशान करके रखा है। जब देखो इसे मेरे बगल में बैठना होता है। चिपकू, तेरा श्री तो ऐसा पागल नहीं है ना। श्री? श्री होता क्या है यहाँ ऐसा पागलपन करने के लिए? इसका एक ही सलूशन है, जल्द से जल्द घर में एक बच्चा। श्री को प्लानिंग करना है सुधा। ये लो, अब तक एक बच्चा हुआ नहीं और तुम लोगों ने प्लानिंग शुरू कर दी। मेरे पागल को देखा है? राहुल को जब 2रा साल लगा था ना, तब से दूसरे बच्चे की डिमांड कर रहा है। सुधा सुधा सुधा, देखा, एक मिनट मुझे अकेला नहीं छोड़ता हैवान। आती हूँ बाबा, मैं अभी आई। सुधा, क्या है, क्यों बुलाया? अरे बैठने दो ना कुछ देर मुझे अपनी बहन के पास। अरे बैठो ना, अरे मैं घूमने जा रहा हूँ, पता नहीं कब लौटूंगा, सोचा जाने से पहले KISS कर लूं। प्लीज तुम भी ना। कम ऑन, अमर छोड़ो, अमर क्या सोच रही है? वो 2-3 दिन यहाँ रहे, उनका भी अलग हम प्यार, किसी की परवाह ना करते हुए एक दूसरे के करीब आना, सब देख रही थी मैं, बेचैन अकेली। उनके जाने के दूसरे दिन सुबह मेरी आस कर रही थी मल्हार के साथ। एक मिनट। I was missing श्री। उस समय मुझे उसकी जरूरत काफी महसूस होने लगी। मेरे संगीत के लेसन्स चलते रहे पर मेरा ध्यान संगीत में नहीं था, विचलित होने लगा। मेरे अकेलेपन को, बेचैनी को शायद मल्हार ने भांप लिया। वो मुझसे कुछ ज्यादा ही हमदर्दी दिखाने लगा। उस दिन के बाद मेरा रियाज चलता रहा और मल्हार का आना भी। रियाज खत्म होने के बाद वो चला जाता, लेकिन उसके जाने के बाद
मेरे दिल में उठते ख्यालों से शर्माती मुझे। मल्हार तुम कल से मत आना, ये कहने का मैं रोज फैसला करती, लेकिन उसके आने की घड़ी का बेसब्री से इंतजार भी करती। मेरे जज्बात मेरे चेहरे से जाहिर ना हो जाए, इस डर से मैं रोज विठल को किसी न किसी बहाने से बाहर भेज देती। उस दिन मल्हार आया अपनी नई गजल की रचना लेकर, जो मुझे सुनाने के लिए वो बेचैन था। हसीन गजल महका महका
मेरे संग संग चल चल मेरे संग संग मेरी जाने गजल जाने गजल फिर घर आया था। मैंने रियाज ना करने का फैसला किया है। आप कल से यहां ना आए तो अच्छा होगा। ऐसा मत कहो अदिति, कल हुई हर बात मेरे दिल पर नक्श हो गई है। वो अनुभव मेरे शरीर मेरी आत्मा का एक हिस्सा बन चुका है। मुझे तुमसे दूर मत करो अदिति। मैं तुमसे प्यार करता हूं। आई लव यू बट आई डोंट। कल जो हुआ वो एक लम्हा था जब शरीर ने मन पर कब्जा कर लिया था। मैं आपको दोष नहीं दे रही हूं, दूंगी भी नहीं, क्योंकि कल जो मेरे सामने था वो शरीर आपका था लेकिन उस पर चेहरा श्री का था। आप मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाइए प्लीज। तुम नाइजीरिया से वापस आए, एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी लिए, मगर मैं दुखी और उदास थी। तुम्हें लगा कि तुम हमारी शादी की सालगिरह पर नहीं आ सके इसलिए मैं नाराज हूं, पर वजह कुछ और थी। जो कुछ हुआ वो सब मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहती थी, पर इस बात से तुम्हें दुख पहुंचेगा इसका भी डर था मुझे। मेरी नाराजगी दूर करने के लिए तुम मुझे खंडाला ले गए। उस माहौल में मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। सब कुछ भूलकर एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करने का फैसला किया मैंने। तकदीर ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। खंडाला से वापस आई, डॉक्टर के पास गई तो प्रेगनेंसी कंफर्म होने की रिपोर्ट के साथ आई। मैंने सुधा को बुलाया। अदिति तुम एक साथ दो दो जिंदगियां बर्बाद करोगे। नहीं, तुम फौरन इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दो, किसी को कुछ कहे बगैर। नहीं सुधा, मैं श्री को धोखा नहीं दे सकती। श्री को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा।
कोई बात नहीं, मैं सह लूंगी, सहना पड़ेगा मुझे। प्लीज ऐसा मत करो। नहीं सुधा, देखो अगर कुछ हो जाए तो मुझे सिर्फ एक आवाज देना, मैं हूं ना। उस दिन तुम घर आए और बहुत खुश थे, नया कॉन्ट्रैक्ट मिला था तुम्हें और इस बंगले का प्लॉट भी देख लिया था, तो मुझे देखते ही तुमने पूछा था। अदिति क्या हुआ? अदिति क्या हुआ बताओ तो सही। श्री, I'm pregnant. What? I'm sorry, श्री। अदिति आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मैं हमारे बंगले का प्लॉट अभी देख कर आ रहा हूं और आज ही ये Aditi, I'm the happiest man in this world. Shri, मुझे तुमसे कुछ कहना है। I love you, Aditi. I love you. I love you. I love you. I love you, Aditi. I love you. I love you. I love you. I love you. Stop it, Shri. Shri, मुझे बहुत बड़ी गलती। To hell with the galati. To hell with our planning. मैं बाप बनने वाला हूँ, Aditi. Vital. Vital. Vital, मैं बाप बनने वाला हूँ. 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 मैं रवि को फोन करता हूँ। श्री, 7-2 हेलो, अरे उठाओ यार उठाओ। ओ चाचा, ओ चाचा, मैं बाप बनने वाला हूँ, बाप। हेलो हेलो मैम, कैन आई टॉक टू रवि प्लीज? मैन हू स्पीकिंग? हू इज स्पीकिंग? दिस इज अनएक्सपेक्टेड, फादर स्पीकिंग। जरा रवि को दीजिए प्लीज। ओके सर। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? रवि, मैं बाप बनने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू बी अ प्राउड फादर। अरे अभी अभी अदिति ने बताया, अरे आज मैंने अपने बंगले का प्लॉट भी देखा और आज मैंने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और आज मुझे ये अच्छी खबर मिली। उस खबर से तुम इतने खुश हुए कि बच्चा तुम्हारा नहीं है ऐसा शक भी तुम्हारे मन में नहीं आया, और तुम्हारी खुशी देखकर तुमसे कुछ कहने की हिम्मत ही मैं नहीं कर सकी, तुम टूट जाते। मुझे मालूम था तुम सच बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्या मल्हर जानता था कि अनिकेत उसका बेटा है? अनिकेत के जन्म के कुछ दिनों बाद वो हमारे घर आया था। सिन्हा, रेडिकल इलेक्ट्रॉन्स की फाइल मेरी ऑफिस में है, पाटिल को भेज देना सिंगापुर, अगर नहीं माना तो श्रीनिवासन। नमस्ते। होल्ड ऑन, आइए आइए मिस्टर मल्हार कामत, कहाँ खो गए थे आप? गांव में कुछ काम था, आजकल मैं वहीं रहता हूँ। कम ऑन, कांग्रेचुलेट मी। कांग्रेचुलेशंस। मैं बाप बन गया हूँ, आई एम अ फादर, डैम इट। इसीलिए आया हूँ, मार्केट में विठल मिला था, उसी ने बताया। अदिति और है ना अंदर, तुम चलो मैं अभी आया। अच्छा। हाँ सिन्हा, श्रीनिवासन को बोलना फैमिली प्रॉब्लम होगा तो नोटिस दे दूंगा मैं। सी टू इट दैट ही गोज। अले 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 अले। आप यहां क्यों आए? तुम दोनों को मुबारकबाद देने और बच्चे को देखने। अदिति, ऐसे लगता था मैं बचपन में, ऐसी नाक, आंखें, होंठ, हूबहू ऐसी,
ये आपका बच्चा नहीं है। मैं जानता हूं दीदी, मैं जानता हूं, लेकिन तुम फिक्र मत करो दीदी, ये राज हमेशा मेरे दिल में दफन रहेगा और मेरे साथ ही इस दुनिया से जाएगा। मुझे अपने बच्चे को देखने की ख्वाहिश थी एक बार, आज के बाद मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा। So that's that. अब तुम बताओ रवि, मैं क्या करूं? देखो शुकन, मैं तुम्हें बहुत नजदीकी दोस्त मानता हूं और इन दिनों की दोस्ती के दौरान मैंने एक बात गौर से देखी है और वो है आदिति का तुम्हारे लिए बेपनाह प्यार। तुम और तुम्हारी गृहस्थी, यही उसकी दुनिया थी, है, और जो बात उसने बताई उससे लगता है कि वो एक इंसानी भूल थी। और आदिति की जगह कोई भी औरत होती तो यही करती, शायद मैं भी, मगर उसने कुछ भी छुपाए बगैर सब कुछ सच सच बता दिया, which I think is most important। श्रीकांत, तुम एक समझदार मैच्योर्ड इंसान हो, जो कुछ हुआ वो बरसों पहले की घटना है, वक्त भी इस हादसे को याद नहीं करना चाहता, सब कुछ भूलकर हालात को स्वीकार कर लो। मेरी जगह तुम होते तुम स्वीकार कर लेते? ऑफ कोर्स, मैंने मेघना को उसकी दोनों बेटियों के समेत अपनाया ही है। रवि, मेघना से शादी करने से पहले तुम उसकी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ जानते थे, सब कुछ जानकर तुमने शादी की है उससे। अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कुछ हो जाता तो क्या तुम? फिर भी मैं उसे अपनाता, और आदिति की बातें सुनने के बाद तो डेफिनेटली। तब तो रवि तुम बड़े ऊंचे ख्यालात के आदमी हो, अफसोस कि मैं ऐसा नहीं हूं। मैं अदिति को कभी माफ नहीं कर सकता, नेवर। सॉरी श्री, सॉरी। अगर तुम्हारा यही स्टैंड है तो तुम खुद भी लॉयल कहां थे? याद है कुछ साल पहले तुमने तुम्हारे अफेयर्स के बारे में मुझसे कहा था, याद है? बट आई एम अ मैन, डैम इट। और वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए था, और मुझे उससे बच्चा पैदा नहीं हुआ था रवि, और अगर पैदा हो भी जाता तो मैं उसे अपने घर नहीं ले आता। स्टॉप इट, प्लीज स्टॉप इट, आई कांट टेक दिस एनीमोर। अब मैं एक पल भी नहीं रुकूंगी,
चलो आदिति। मुझे छोड़ दो श्री, लीव मी प्लीज, दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। ग्रेट, व्हाट अ सॉल्यूशन। मुझे इतने सारे दुख देकर तुम्हें लगता है अदिति तुम इतनी आसानी से छुटकारा पा लोगी, ताकि लोग कहें कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि मेरा बेटा मेरा नहीं किसी और का था। तुम तो छुटकारा पालोगी अदिति, मगर लोग तो कहेंगे कि वो देखो वो शंड, वो नपुंसक जा रहा है जिसने 25 साल से किसी दूसरे के बेटे को अपना बेटा समझकर पाला। नहीं अदिति, नहीं, तुम मुझसे इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पाओगी। जिंदगी भर तुम इसी घर में रहोगी, यही तुम्हारी सजा है, अपने पति के साथ जो तुमसे कोई संबंध नहीं रखेगा, और तुम्हारे बेटे के साथ जिसे मैं अपना बेटा कभी नहीं मानूंगा। क्या कर रही हो तुम? पैकिंग। मैं इस घर में और नहीं रुक सकती। लेकिन मेघना, अदिति को इस हालत में हम छोड़कर चले जाएं? मैं घर छोड़कर जा रही हूं रवि, शहर छोड़कर नहीं। अदिति का प्रॉब्लम सॉल्व किए बगैर मैं पूना से हिलने वाली नहीं। कितना डिस्गस्टिंग आदमी है वो श्रीकांत पंडित। ऐसे आदमी को मर्द कहलाना मर्द जाति का अपमान लगता है मुझे। मैं उसे पहले ही पहचान गई थी, मैंने तुम्हें बोला भी था, बिल्कुल वैसा ही निकला वो, इसलिए उसके बर्ताव का तजुब नहीं हुआ मुझे। मुझे दुख हुआ अनिकेत की बिहेवियर का। आज की पीढ़ी का लड़का है वो, सो कॉल्ड मॉडर्न ख्यालों का। कम से कम उसे तो अपनी माँ को समझना चाहिए था। उसका अपमान किया उसने, और वो भी कितने बेहुदा शब्दों में। आई नो, पर मेघना इस वक्त मुझे इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन नजर नहीं आता। मुझे नजर आता है। चीज का डर था वही हुआ। आज रेवती को पता चला है, कल सारी दुनिया को पता चल जाएगा। जग हंसाई होगी मेरी, सारी दुनिया के सामने मिस्टर श्रीकांत पंडित की आबरू मिट्टी में मिल जाएगी।
कुछ ही दिनों में मैं डिवोर्स पेपर्स तैयार कर लूंगा। वो ना लेने में अब कोई मतलब ही नहीं है। और हां, तुम कोर्ट जाने का कष्ट मत करना। डिवोर्स के बाद मैं तुम्हें अलीमनी दूंगा, तुम्हें रुपयों की चिंता नहीं होगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए श्री। कुछ नहीं? हां, मैं तो भूल ही गया था, अब तुम्हें मेरे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। अमीर औरत हो तुम, मल्हार कामत की इकलौती वारिस। वो पैसे मैं लू न लू पर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगी। थैंक्स। बस कुछ दिन यहां रहने की इजाजत चाहती हूं, कोई और इंतजाम होने तक। 27 साल सहन किया है मैंने तुम्हें, कुछ दिन और सही। Oh,
20 साल से इस घर से जुड़ा रिश्ता आज टूट जाएगा। सच, जैसे बच्चे को उसकी मां से नाड़ काट कर अलग किया जाता है ना। श्री, जाने से पहले कुछ कहना चाहती हूं। अब कहने जैसा कुछ भी बाकी नहीं रहा। इतने 27 साल बर्दाश्त किया है तुमने मुझे, कुछ पल और सही श्री। तुम भी रुको अनिकेत, जाओ मत। अदिति, यू आर वेस्टिंग टाइम। तुम्हारी किसी भी बात का अब मुझ पर कोई असर नहीं होगा। नहीं नहीं, घबराओ नहीं श्री, मैं ऐसी कोई बात नहीं करने वाली हूं कि तुम मुझे रोको। मैं सिर्फ कुछ ऐसी बातें कहना चाहती हूं जो आज तक मैं कह नहीं पाई। श्री, मर्द चाहे कितने भी औरतों के साथ दिल बहला ले, अपनी पत्नी से वो टोटल वफादारी की उम्मीद रखता है। नहीं, 27 साल पहले की मेरी एक कमजोरी की वजह से आज मेरी पूरी गृहस्थी खत्म हो गई। कितनी अजीब बात है कि मैं जिसे कमजोरी कहती हूं तुम उसे व्यभिचार कहते हो। एक बात बताओ श्री, मर्द का मन क्या औरत के मन से अलग होता है? उसकी इच्छाएं औरत की इच्छाओं से अलग होती है? फिर इन सब सवालों का जवाब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जवाब इन सवालों में ही है। पर क्या ये सवाल तुम्हारे सामने भी कभी उठते हैं श्री? दो बदन मिलने से पहले दो मन का मिलना जरूरी है, ये बात तुम कभी समझे ही नहीं श्री? शादी के बाद तुम अपने काम के सिलसिले में बाहर रहते थे और मैं घर में अकेली। उस अकेलेपन में मैंने अपना संयम खो दिया, जो कभी तुमने भी खोया। तुम्हारे भी अफेयर्स हुए जिन्हें तुम कन्वीनियंटली बहुत आसानी से भूल गए। तुमने खुद ही अपने आप को माफ भी कर दिया, क्योंकि तुम्हें लगा कि मर्द होने के नाते वो तुम्हारा हक है। किसने दिया ये हक तुम्हें? अनिकेत मल्हार कामत का बेटा है ये जानकर तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंची। तुम्हारा छोटा खोखला अहंकार, जिसे वो मल्हार कामत भी नहीं बच पाया। उसका अहंकार ये था ना वो, कि उसने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। उसके बच्चे की मां जो थी मैं, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से बच्चा पैदा करने की ताकत ही एक मर्द होने की पहचान है। क्यों, जिनके बच्चे नहीं होते वो मर्द नहीं होते श्री? जब अनिकेत तुम्हें अपना बेटा लगता था तो तुम कितने गर्व से कहते थे, See how handsome he looks, just like me। और एक दिन में, एक पल में सब कुछ बदल गया, सब कुछ श्री। अनिकेत मल्हार कामत का बेटा है, इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास मिस्टर श्रीकांत पंडित?
नहीं है। और तुम ये आज जानते हो क्योंकि मैंने तुम्हें बताया। मैं मतलब उसकी माँ ने। सिर्फ ये एक रिश्ता सच, माँ और बच्चे के घर का रिश्ता। बच्चे का बाप कौन है ये सिर्फ माँ बता सकती है श्रीकांत, सिर्फ माँ। और श्री 25 साल पहले उस दिन उस पल अगर मैं कमजोर नहीं हुई होती तो मुझ पर एक अलग ही इल्जाम लगता। ये सच होते हुए कि अनिकेत के बाद हमारा दूसरा बच्चा ही नहीं हुआ। इसके बावजूद भी श्री मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और करती रहती, लेकिन आज तुम ये घर ये गृहस्थी सब छूट गए। लेकिन आज ये सब छोड़ते हुए मुझे अफसोस नहीं हो रहा। श्रीमती आदिति श्रीकांत पंडित, इस नाम में आदिति कहीं खो गई थी। आज खुला आसमान उसे बुला रहा है। मैं बेसब्र हूं अपना अस्तित्व ढूंढने के लिए। हाँ, मन में बेचैनी जरूर है लेकिन डर बिल्कुल नहीं है। और इसके लिए मैं तुम्हारी आभारी हूं मेघना। याद है तुमने एक दिन कहा था कि मुझे अपना कुछ करना चाहिए, इट्स नेवर टू लेट। इस उम्र में ऐसा लग रहा है कि मेरा नया जन्म हुआ है। थैंक्स। तू मेरे साथ गोवा चलवा दी थी। नहीं मेघना, मुझे किसी का इंतजार है। कौन है वो? हेलो एवरीबॉडी, मैं जानती हूँ मेरे यहाँ आने से आप लोगों को हैरानी हुई होगी। सब कुछ जानते हुए भी मैं यहाँ कैसे, यही सोच रहे होंगे ना आप लोग। दरअसल मैं आदिति को ले जाने आई हूँ अपने साथ। अनिकेत, आदिति की जिंदगी में हुई घटनाओं की वजह से मैंने अपनी एंगेजमेंट नहीं तोड़ी। वो तोड़ी क्योंकि इस घर के पुरुष उसे समझने की कोशिश ही नहीं कर सके। मुझे नहीं लगता आदिति ने कोई पाप किया है, बल्कि उसकी ईमानदारी और इस घर के प्रति उसकी कमिटमेंट की जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन ये समझने की ताकत तुम्हारे पिता, सॉरी, मिस्टर श्रीकांत पंडित के पास नहीं है। आदिति के साथ उनका बर्ताव तो बुरा था ही, मगर तुम्हारा उससे भी घिनौना। तुम्हारे जैसा नैरो माइंडेड एटीट्यूड रखने वाला पति नहीं चाहिए मुझे। मैं खुद को नई पीढ़ी की समझती हूँ, ब्रॉड माइंडेड, बिना किसी प्रेजुडिसेस के, और तुम्हें भी वैसा ही समझती थी। मुझे नहीं लगता मैं किसी भी मामले में पुरुषों से कम हूँ, और उस हिसाब से औरत होने के नाते जो बात मेरे लिए गलत है वो बात तुम्हारे लिए भी गलत ही होनी चाहिए, और मर्द होने के नाते जो बात तुम्हारे लिए सही है वो एक औरत होने के बावजूद मेरे लिए भी सही ही होनी चाहिए। एक आखिरी बात अनिकेत, तुम कहते हो कि अदिति ने व्यभिचार करके तुम पर बदनामी का दाग लगाया, मगर तुम भूल रहे हो कि उसके सो कॉल्ड व्यभिचार से आज तुम यहां हो। तुम्हारा अस्तित्व है, और इतने कर्जदार तो तुम रहोगे ही इस व्यभिचारी स्त्री के। एनीवे, मे टाइम मेक यू अ मोर ब्रॉड माइंडेड एंड अ सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग। गुड लक एंड गुड बाय। चलें।
अपना ख्याल रखना श्री खुद चलती हूँ ना कटूंगी ना चलूंगी ना मिटूंगी ना मरूंगी ना कटूंगी ना जलूंगी ना मिटूंगी ना मरूंगी।